नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेवन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टॉप जेने नॉलेज यानी कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ ये घंटी जिसको आप दबा देने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? और जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा कैल्शियम। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैल्शियम की उपस्थिति से क्या होता है। ठीक है, देखिए, जल की अस्थायी कठोरता, उसमें जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है अस्थायी कठोरता। जबकि अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। तो ये अस्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता से रिलेटेड था कैल्शियम। तो एक जगह अस्थायी कठोरता में जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, जबकि अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहते हैं। नेक्स्ट, दोस्त नंबर का प्रश्न है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से, तो किस प्रकार से किया जा सकता है ये? और उत्तर है दोस्तों जियोलाइट, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, तो अस्थायी जो खारेपन है और या अस्थाई, तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आंसर कुछ और है। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है बॉक्साइट? और हमारा आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम के। तो एल्युमिनियम की का जो है अयस्क है बॉक्साइट। दोस्तों, जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती है उनको अयस्क यानी कि ओर कहते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट, कोरंडम, फिल्सपार, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट आदि है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की परिस्थिति विज्ञान यानी कि इकोलॉजी का संबंध किससे है? और आंसर है शरीर रचना और वातावरण से। जो वातावरण है उससे रिलेटेड होता है इकोलॉजी का संबंध। पांचवा है कि FCI यानी कि फूड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस यानी कि कब किया गया, किस वर्ष किया गया? देखिए, इसे भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है हिंदी में, और उत्तर है तो 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 6 है कि फिलिप का वक्र इनके बीच संबंध दिखाने वाली अनुसूची है। और जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर, इन दोनों के बीच संबंध दिखाने वाली एक जो है अनुसूची यानी कि शेड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है भौतिकी के लिए। आइए थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर सीवी रमन भारत के सुविख्यात वैज्ञानिक एवं जो है भौतिकी के राष्ट्रीय प्रोफेसर थे, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक तथा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने वाले थे ये। और उन्हें जो है 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें लेनिन पुरस्कार एवं भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 की फासीवाद में इनके नेतृत्व में विश्वास किया जाता है। और जो उत्तर है एक व्यक्ति में, तो फासीवाद में एक व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है। इनके नेतृत्व में जो है फासीवाद का जो है से रिलेटेड जो आंदोलन होता है इन्हीं के नेतृत्व में होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कितना होता है? उत्तर है दोस्तों 4 वर्ष। देखिए, वहाँ 4 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर में कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा जो है निहित रहती है, यानी कि रहती है किस तरह की ऊर्जा विद्युत सेल में, और उत्तर है रासायनिक। तो रासायनिक ऊर्जा रहती है विद्युत सेल में। अब देखिए इसके बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात कि विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह छड़ जो धनावेशित होती हैं उन्हें एनोड तथा ऋणावेशित छड़ को जो है कैथोड कहते हैं। तो कैथोड और एनोड जो है जो छड़ होती हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि फ्यूज का तार बना होता है, किससे बना होता है फ्यूज का तार, और जो उत्तर है सीसा और टीन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ और खास बात, देखिए फ्यूज का तार का प्रयोग जो है परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, और देखिए इसमें सीसा जो होता है 37% होता है जबकि टीन 63% होता है। दोनों का जो है दोनों को मिश्रित करके धातु बनाया जाता है जो कि फ्यूज का तार कहलाता है। देखिए यह सदैव परिपथ के साथ जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका गलनांक भी कम होता है जिससे ताकि जो उपकरण है वो उसको नुकसान न पहुंचे और फ्यूज का तार जो है टूट जाए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 12 है कि कौन उग्रपंथी नहीं थे। चार ऑप्शन है इसमें कौन जो है उग्रपंथी नहीं थे, और जो हमारा आंसर है वो हो जाए गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इन्हीं के मार्ग निर्देशन में उन्होंने जो भारत में शुरुआत किया था राजनीति का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 की वायुमंडल का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, और जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल जिसे आयतन मंडल भी कहा जाता है। तो ये बाहरी मंडल है एक्सोस्फेयर और बाह्यतम परत है ये वायुमंडल का। देखिए एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल जो है आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो कि 500 किलोमीटर से ऊपर है और है, ठीक है। और बहिर्मंडल में वायु अत्यंत ही कम मात्रा में होती है, बहुत ही कम परसेंटेज होता है। वहाँ जो हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा बढ़ने लगती है और ताप भी अधिक हो जाता है। तो सबसे ऊपरी परत जाहिर सी बात सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर में ग्रेट बैरियर रिफ किस देश में है, और आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न नंबर 15 है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की जो राजधानी है कहाँ है, उसका नाम क्या है, और उत्तर है दोस्तों मुजफ्फराबाद। देखिए मुजफ्फराबाद जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की अलेक्जेंडर ने भारत पर कब चढ़ाई की थी, उत्तर है 326 ईस्वी पूर्व में। देखिए 326 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो कि अरिस्तु का शिष्य था उसने भारत विजय अभियान के लिए 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था स्थल मार्ग द्वारा, ठीक है, और वापस लौट भी गया था, कई बार आक्रमण किया है इसने। देखिए सिकंदर और पोरस के बीच जो कि पंजाब के शासक थे उनके बीच एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था हाइडस्पीस का युद्ध, जो युद्ध था उस युद्ध का नाम हाइडस्पीस का युद्ध रखा गया, हालांकि बाद में जो है उनसे दोस्ती भी हो गई थी। और वापसी में जो है जब युद्ध हो गया और आखिरकार जब उसकी सेना ने यानी सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो जब वापस लौट रहा था सेना के साथ तो जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 की अशोक ने निम्न में से कौन सा धर्म अपनाया था, उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म। तो हालांकि अशोक जो है बचपन में शुरुआती दिन में जो है शिव के यानी कि शिव धर्म से संबंध रखते थे और शिव धर्म को मांगते शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रश्न नंबर 18 है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए महावीर भगवान महावीर का जन्म जो है वैशाली कुंड ग्राम में
हुआ था और समय था 540 ईस्वी पूर्व में। देखिए ये जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर थे, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ जो कि ज्ञात्रिक कुल के जो मुखिया थे और माता का नाम जिनका नाम त्रिशला था, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो ये क्षत्रिय कुल के थे लेकिन शायद, और जैन धर्म जितने भी सारे तीर्थंकर हुए सभी क्षत्रिय कुल में ही जन्मे थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 की, पाचन के रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। चार ऑप्शन है और जो हमारा आंसर है हाइड्रोलिक अम्ल, एचसीएल जो होता है पाचन के रसों में सबसे मेन यही अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 की, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। और उत्तर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है आग बुझाने वाली गैस है निम्नलिखित में से। प्रश्न नंबर जो है 21 है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल यानी एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 की, वह पेड़ जिससे कुनैन प्राप्त होता है, सिनकोना। तो सिनकोना के पेड़ से जो है कुनैन प्राप्त किया, एक्चुअली जो छाल होता है सिनकोना का उससे ही कुनैन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। प्रश्न फिर से वापस से इसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला गया है। उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। देखिए शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा जो है संग्रहित यानी जमा रहती है। शुष्क सेल में जो है जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादा भी कहते हैं, एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। तीन तरह का मिश्रण होते हैं शुष्क सेल में, ठीक है। एक मैग्नीज डाइऑक्साइड, फिर अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादा, और कार्बन का मिश्रण भरा होता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ जो है एनोड के रूप में एवं जस्ते का बर्तन जो है कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का जो विभव होता है 1.5 वोल्ट का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 24 की, हैजा का क्या कारण है, ठीक है। उत्तर है दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है हैजा का कारण है। प्रश्न नंबर 25 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। उत्तर है न्यूटन। तो देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। देखिए किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 की, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। उत्तर है दोस्तों कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ खास है और इसकी स्थापना किसने किया। देखिए आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन जो हुआ 1 सितंबर 1942 को हुआ था, और संस्था इन किसके द्वारा, तो ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, परंतु वह असफल रहा था, ठीक है। बाद में आजाद हिंद फौज की सफलता का स्थापना का श्रेय जो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ठीक है, आरबी बोस जिसे कह सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 27 की, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। पहला सिकंदर के बारे में मैंने तो चर्चा किया है, दूसरा सिकंदर कौन कहता था अपने आप को। तो कहने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल जो है 1296 से 1316 ईस्वी के बीच था, और इन्होंने अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद जो है सिकंदर ए सानी के उपाधि ग्रहण कर लिया और अपने आप को दूसरा सिकंदर कहलवाया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 की, निम्न में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। उत्तर है दोस्तों चीन। चीन जो है देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 29 है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर है दोस्तों त्रिवेंद्रम। प्रश्न नंबर 30 है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है अधिनियमित यानी कि कानून का रूप किस वर्ष लिया है। तो जो उत्तर है वो हमारा जाएगा 1986 ईस्वी में। दोस्तों ये थे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए।
कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें वीडियो को, साथ साथ में शेयर करना नहीं भूलें। तो शेयर भी कीजिए, 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए, आपके लिए कुछ और भी खास महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।